देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स में अक्सर पूछा गया सवाल है, यहाँ पे देखिए, द रिमाइंडर इज 8 व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर एक्स। अगर 200 को आप किसी नंबर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पर? 8। ये तो आपको ये मालूम करना है कि एक्स की ऐसी कितनी वैल्यूज हो जाएंगी कि हम 200 को डिवाइड करें और रिमाइंडर 8 मिल जाए। यहाँ पर हमें 8 कब मिल रहा होगा? जब यहाँ पर 192 होगा, ठीक है, माइनस करेंगे तो 8 आएगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब हुआ कि x जो है वो 192 को कम्प्लीटली क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा। तो हमें 192 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए सिंपली, ये जो पावर है इसमें 1 ऐड करिए, दैट विल बी 7, और इसमें भी 1 ऐड करिए, सो दैट विल बी 14। अब आप यहाँ पे ये देखिए, x जो है 192 के फैक्टर्स हैं, तो 192 के वो फैक्टर्स जो कि 8 से बड़े होंगे वही तो होंगे यहाँ पर x की वैल्यूज। 8 से छोटी वाली वैल्यूज तो होंगी नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो देखिए, 8 से छोटी या 8 के बराबर कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 192 को डिवाइड कर देंगे? 1 के। तो ये कितने हो गए? 6। अब इसमें से 14 में से 6 माइनस कर दीजिए, सो करेक्ट आंसर इज 8 एंड इट्स सिंपल। तो देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर के, मैंने ये कैसे किया इसको मैंने डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं।